पत्रकार साहब भी कहे हुए हैं कोई पत्रकार में दम नहीं है, ये पत्रकार कल देखा उल्टी है कोई पत्रकार में दम नहीं है। माननीय जी चाहे होता है हमारे माननीय हरि रामचंद्र जी पुलिया, मैं ऐसा नहीं पूरा समाज के सामने कहना चाहता हूँ ये पुलिया बन गया होता, बाकी माननीय पकौड़ी कोई भी नहीं आए, न हमारे माननीय महोदय जी हरि रामचंद्र जी भी आए। पत्रकार साथियों कितनी बार हम लोग परेशान हुए, बाकी कोई नहीं सुनने वाला, डीएम एसपी कप्तान सांसद हो विधायक हो एएमपी हो एमएलए कोई नहीं सुनने वाला। साथियों अगर एनटीपीसी बिजली पैदा करता है यहाँ के देशवासियों लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ के दुर्भाग्य है यहाँ की बिजली राजस्थान अम्बाला लुधियाना दिल्ली की सरजमी पे जा रही है, यहाँ के दुर्भाग्य लोग जो की बिजली नहीं पा रहे हैं पाने से मौत है, इस सरकार ध्वस्त है। हम चाहते हैं पुलिया है कोरोना क्या है सबसे बड़ा महामारी साथियों, देश भर से ग्राम सभा जिला सोनभद्र दूधी विधानसभा यह विकास की डगर है, राम राज की एक बानगी, और दलाल पत्रकार या बिके हुए पत्रकार का संबोधन करता यह युवक, सीधी सी बात है सोनभद्र को और यहाँ के पत्रकारों को आईना भी दिखा रहा है, हमें भी दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। इस विकास पथ से गुजरते हुए लोगों को देखकर मेरा खून खौल रहा है, क्योंकि मैं हजार किलोमीटर दूर हूँ और मैं किसी भ्रष्ट ऑडियो कांड में फंसे हुए ऑफिसर को बचाने की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। हम सीधी सपाट बात बोलते हैं, सरकार चाहे जिसकी हो, विकास चाहे जिसका हो, लेकिन यह पुलिया इनका हक है, इन गांव वालों का हक है। आप इस युवक का दर्द भले ही राजनीतिक आईने से देखें, लेकिन अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो आपका दिल और जेहन साफ सुथरी आवाज देगा। देखिए साथी प्रदीप जायसवाल की यह बेहतरीन रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो ज्ञानचंद यादव है। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या इस पुलिया की बहुत काफी सी संख्या, जो कि ये करीबन ये दो तीन चार साल से हुआ, हम लोग इतनी यहाँ मुसीबत से 10,000 की आबादी क्षेत्र है, जब से पुलिया क्षतिग्रस्त हुआ है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी का सरकार था, उस समय पुलिया का निर्माण हुआ था, संपन्न हुआ, इसके बाद बीच में ध्वस्त हो गया, इसके बाद कोई आज तक न शासन, इस कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और आज मैं कई बार पत्रकार बंधु साथियों से हम लोग यूट्यूब माध्यम से न्यूज के माध्यम से हम लोग पहुँचाए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जी। हमारे गरीब किसान मजदूर के साथ ही बहुत लोग खड़े भी हैं, बताए भी लोग, जैसे हमारे रमेश कुमार पनिका जी भी बताए, क्षेत्र पंचायत सदस्य भीम सिंह जायसवाल जी भी बताए। जी। इतना समस्या है पत्रकार बंधुओं साथी, आपसे बता देना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत परेशान हैं, इस कानून व्यवस्था में हम लोग कोई सुनवाई नहीं हो रहा, हमें चाहते हैं कि आज कितनी महिलाएं, और आप खुद ही देख रहे हैं सक्षम माँ बहनों बेटिया माँ बहने हमारे जो भी बेटियां हैं, आपसे हम क्या बताया जाए, इतना हम लोग रिपोर्ट लगाते लगाते थक गए, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। गांव का नाम क्या है? ये गांव ग्राम पिंडारी टोला मनरहवा के लोग सब हैं, यहाँ पिछड़ा अलग इलाका है, आदिवासी ओबीसी एसटी दबे कुचले के लोग हैं सभी। जी, जी। कुछ है आप जो बताएं। और जैसा कि जनसंख्या कितना है? करीबन 9-10 हज़ार से अधिक जनसंख्या है इस नदी इस बगल। अच्छा, शायद हमको सुनने में आया है कि जैसे यहाँ से 18 किलोमीटर पावर प्लांट है, जो कि वहाँ से लोग ड्यूटी करके आते हैं 10 बजे रात 11 बजे, उन लोग कैसे पार होते हैं? अब उन लोग आपने समस्या बताई दिए, ये जो है सब ड्यूटी करके आते हैं बेचारे, अपने पेट को किसी प्रकार पालते हैं। जी कितने दूर से रहते हैं, कितने रात भर रहते हैं, किसी प्रकार से लोग अपने पेट को पाल रहे हैं। जी, आज तक बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की जिस समय सरकार थी, अगर आज होती जी तो पुल का अब से निर्माण हो गया होता, बाकी हमको लगता है मिशन सन 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी जी, तभी ये पुल का निर्माण हो पाएगा। निर्माण हो पाएगा जी।
आपके सामने इतना हम लोग विवश है कि ज्यादा बोलने से भी विवश है। जितना भी लोग हैं कोई भी सुनवाई प्रशासन प्रधान सांसद विधायक ध्वस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट लेने आते हैं लोगों, कोई काम नहीं करते। मैं भारतीय जनता लोगों बता रहा हूँ पार्टियों से, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का देन था, ये पुलिया का निर्माण हुआ था। आज हमारे गरीब किसान मजदूर दबे कुचले के लोग पार हो रहे हैं, किसी भी आवाज उठाने की नहीं बात करते हैं। साथियों पत्रकार साथियों, कितनी बार हम लोग परेशान हुए लेकिन कोई नहीं सुनने वाला। डीएमएसपी कप्तान, सांसद हो, विधायक हो, एएमपी हो, एमएलए, कोई नहीं सुनने वाला। साथियों इस हमारे मताए भाना से साथियों पत्रकार बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मित्रों जैसा कि हम पूछना चाहते हैं कि आप जन प्रतिनिधि सांसद विधायक के यहाँ आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन दिए हैं? बहुत बार बार दिए हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लोहिया वाहिनी विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद यादव, हम लोग बहुत बार दिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं मिला। साथियों हम लोग इस पंगा को बहुत बहुत, हम लोग इसी कड़ी में रहेगा। हम लोग सांसद पुलिया पीछे नदी का हम लोग जो धरना प्रदर्शन उठाने का काम करेंगे। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है सरकार में, मैं केवल वोट लेना जानते हैं। आज मनुवादों की सरकार है, ये आपसे बता देना चाहता हूँ। ये पुल आप देख ही रहे हैं, गरीब किसान लोग बताए हमारे मताए क्षेत्र 50 सदस्य हमारे भीम सिंह जसवाल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वर्तमान में समाजवादी पार्टी क्षेत्र 50 सदस्य हमारे गिरधारी लाल गुप्ता, लालचंद भर्ती, रमेश भनका, उदय भांग जी, विष्णु जी, बहुत लोग तमाम साथियों है। बाकी आज तक कोई इस पुल का मुद्दा नहीं उठाता है। जब और लेना होता है ग्राम सभा पिंडारी मरहा पे जाएंगे, इसका कोई मुद्दा नहीं लेता है। जी जी पत्रकार साथियों, आपको जो भी पूछना बताता हूँ इस साथियों के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के युवा क्रांतिकारी नेता जैसा कि श्री ज्ञानचंद यादव जी, जिन्होंने अपना मामला को सही और सही कंडीशन में पेश किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर वह चीज़ आपके अंदर होती तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि अगर 10,000 की जनसंख्या आबादी है तो एक दिन का आदमी अपना गुजारा नहीं कर पाता है। इन लोग 4 साल का, आज 5 साल का दिन हो गया जो कि ऐसा कंडीशन में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रही है भाई साहब, आप खुद देख सकते हैं। हम कुछ नहीं बताएंगे यहाँ के गरीब किसान मजदूर के, गिरधारी लाल गुप्ता जी स्वयं बताएंगे कि कितना आबादी क्षेत्र इस नदी के इस बगल है। कोई आज तक कानून व्यवस्था ध्वस्त है पूर्ण रूप से, दिल्ली से लेकर इस लखनऊ तक सोनभद्र की समेत ध्वस्त है। आपके गरीब किसान गिरधारी लाल गुप्ता जी से दो शब्द पूछे। क्या नाम है आपका? गिरधारी गुप्ता। समस्या क्या है? समस्या यही है, पुल का है। जो है प्रत्याशी आते हैं वोट लेने आएंगे, अच्छा वोट लेंगे जीतेंगे जाकर बैठेंगे दिल्ली, अच्छा यहाँ जनता मरे नदी पे। नहीं बात तो आपको कहना सही है। जो है अब बिजली होगा और कुछ होगा भाई, हम लोग क्या करें? रिहान नगर एनटीपीसी बिजली पैदा करता है, यहाँ के देशवासी लोग दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। यहाँ के दुर्भाग्य है, यहाँ की बिजली राजस्थान अम्बाला लुधियाना दिल्ली की सरजमी पे जा रही है। यहाँ के दुर्भाग्य लोग जो कि बिजली नहीं पा रहे हैं, पानी से मौत है। इस सरकार ध्वस्त है, हम चाहते हैं जो हमारे विधायक बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानचंद। जैसा कि आप उसके बारे में, हमारे विधायक जो है उनका यहाँ वोट लेने विधायक जी माने हर रामचरण जी थे, इसके बाद दर्शन देने नहीं आए हमारे सांसद पकौड़ी लाल, कोई भी दर्शन देने नहीं देने आए। वोट पर लेने तो हाथ जोड़ कर ले गए, दर्शन नहीं दिए माने पकौड़ी लाल कौल जी। हमारे वर्तमान में माने हर रामचरण जी भी दर्शन नहीं दिए, कोई भी सांसद नहीं। तो हम पूछना चाहेंगे आपसे मानवर जी, जैसा कि दुद्धी विधानसभा के विधायक इस समय कौन है? हरिराम चेरो जी हैं। उन्होंने अभी तक यानी कि वोट मांगने आए हैं, इसके बाद आपके गांव में यानी नहीं आए हैं? आते हैं, चौराहे चले जाते हैं। अच्छा। बाकी ग्राम सभा पिंडारी का टोला मनरावा नगराज है, बाकी टोला ही मेरी बहुत का टोला है, उसके मैं नाम नहीं देता साथियों। बाकी मानी है रामचरण जी ग्राम सभा से उका मोड़ चौराहे से चले जाते हैं, बाकी नए नए हाल लेते हैं कि पिंडारी के टोला नगराज मनरावा का मनर जो भी है
आज तक समाचार नहीं लिए हमारे गरीब बताएंगे सभी लोग क्या बताएंगे। के अंतर्गत मनरहमा में जो यह बिच्छी नदी का कार्य है उसके विषय में माननीय विधायक हरिराम चेरो जी ने इसके पक्ष में यानी कभी भी मुद्दा नहीं उठाया ना? नहीं उठाए कभी नहीं, अगर माननीय जी चाहे होता है हमारे माननीय हरिराम चेरो जी पुलिया मैं आशा नहीं पूरा समाज के सामने कहना चाहता हूँ ये पुलिया बन गया होता बाकी मान्य पकौड़ी कोई भी नहीं आए न हमारे माननीय महोदय जी हरिराम चेरो जी भी आए। पत्रकार बंधुओं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, इसी जन शब्दों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहता हूँ कि ज्ञान चंद यादव जो बात किया वो एक नंबर बात किया, क्योंकि जब हमारे यहाँ सपा की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके जमाने में पुलिया बना था, जब पुलिया भाजपा का राज आया पुलिया टूट गया, कोई सरकार आज दिन तक भाजपा के कोई भी पदाधिकारी हमारे विधायक हो या सांसद हो या कोई भी पदाधिकारी हो आज दिन तक इसी गाँव में नहीं आए हैं। सबसे बड़ा लोग बोलते हैं कोरोना है, सबसे बड़ा बोलते हैं कोरोना है, पुलिया है कोरोना क्या है, सबसे बड़ा महामारी साथियों देश भर से ग्राम सभा जिला सोनभद्र दूधी विधानसभा 403 के अंतर्गत समाजवादी पुल है तो सबसे बड़ा कोरोना से महामारी हमारे ग्राम सभा के पिंडारी बिछी नदी है, इससे बड़ा कोरोना क्या होगा। ये पूछे अभी बेचारे कितने डूब रहे थे अभी इनको से बचाया गया, ये गिरधारी लाल गुप्ता डूब रहे थे जी जी। इनको वो तो भांग यादव ने भी बचाया जी जी। भीम सिंह जसवाल अभी स्वच्छ आपके साथ है, रमेश पंचा जी के जैसा कि हम देख रहे हैं जो कि बहुत लोग तमाम साथियों खड़े हैं अभी तुरंत रामा यादव इस नदी में डूब जा रहे थे। अच्छा कितना पानी होगा इसमें? इसी प्रकार खींच के निकाला गया था, 2% पानी है बाकी। अच्छा। पावरले लोग आदमी जो पानी में तैरते हैं वो लोग पानी तैर तैर के खमा खोटा गाड़ रहे, तमही भले ही गाड़ रहे साथियों। आपसे मैं इतना नहीं कह पा रहा हूँ, मेरा मुंह बहुत दुख है इसको बोलते बोलते, आप लोग खुद ही देख रहे हैं पत्रकार साथियों। अब दिल्ली तक पहुँचाए इसको कि जल्द से जल्द हम लोग का हो न, इस बार वोट का पोलिंग बूथ कब्जे किया जाएगा जैसे हुआ था बरागढ़ में, पोलिंग बूथ पे वोट हम लोग बनने देंगे इस बार। सभी गरीब किसान मजदूर दबे कुचले को लोग यहाँ वोट से क्या मतलब है, अपने बस जीना है तो अपने बस से जीना है, वोट वोट कुछ देखकर क्या करेंगे हम लोग। जैसे गिरधारी लाल बताया कि कोई इतनी सरकार मीडिया पत्रकार आए कोई सुनवाई नहीं, एकदम मुर्दाबाद एकदम। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया तो बताएंगे नगराज में कितना बाजी साथियों, ये देखिए अभी थोड़ा सा अचानक माता इसके उपलब्ध में नरियर में हमारे गरीब किसान लोग फोड़ रहे हैं। देखिए आइए मीडिया दो से जाकर दो शब्द लीजिए, बहुत दिक्कत है मीडिया दो जनता के बारे में दो शब्द बोले। क्या नाम है भैया आपका? जी वासुदेव यादव। समस्या क्या है? समस्या सामने है देख रहे हैं, हजारों की आबादी है इधर, तो आबादी कितना है? आबादी तो टोटल 1000 है, आबादी तो 10000 की होगी। कितना आबादी है? 10000। 10000 ग्राम पोस्ट पिंडारी ना है ना, जो कि मनरहमा पूर्वा है इधर आगे। अच्छा अच्छा, और इसके बारे में कुछ बताइए, इसके बारे में कुछ और बताइए। इसके बारे में बहुत प्रतिनिधियों को कहा गया मगर सांसद हो चाहे विधायक हो कई लोगों से लोग जी 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 हम लोगों की समस्या किसी ने सुना नहीं जी जी। अभी तक देख रहे हैं हम ग्रामीण लकड़ी का पुल बना करके आवागमन करने का साधन बनाया जा रहा है जी जी, उसे में रिंजाइश रोक रही थी जिसमें वन विभाग वालों ने अभी कुछ इसमें अड़चन डाल रहा था। अच्छा अच्छा, अच्छा हमको सुनने में आया कि यहाँ खनन भी होता है जो कि वहाँ वन विभाग नहीं रोकता है, और लकड़ी के लिए आप लोग जो पुल बना रहे हैं उसमें आप लोगों को काफी दिक्कतें कर रही हैं जो कि वन विभाग का कर्मी लोग जी। इसमें अधिकारियों की कमी है ना, कमी है, ग्रामीण क्या करेंगे, खनन करने वाले करते होंगे करते हैं जी जी, मगर तो हम लोग का कौन सुनने वाला है कोई जी जी। नदी में तैरता यह सोनभद्र का भविष्य है, यही आज की हकीकत है, और आप देख सकते हैं कि पानी में डूब कर कैसे किस तरीके से यह नदी पार कर रहे हैं। इनका हक, इनकी जरूरत, इनकी सोच और इनकी फिक्र रामराज को तो शायद ही होगी, क्योंकि यहाँ कोई निषाद राज तो है नहीं तो भगवान राम के चरण धोकर उनको अपनी नैया से पार कराएं, महज इस बात का कि भगवान राम ने उनको मित्र कहा यह मान। आप देखिए क्या है रिपोर्ट। कितना मीडिया वाला है ना, कितना गाना कुछ खा जो लोग हमारे तमाम साथी बोल रहे हैं, कितना मीडिया लोग आए चले गए बाकी कोई मीडिया से प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये पत्रकार सब
बिके हुए हैं, कोई पत्रकार में दम नहीं है। ये पत्रकार कल देखा उल्टी है, कोई पत्रकार में दम नहीं है। पत्रकार लोग और कुछ नहीं कर रहा, पत्रकार कल दिखाते हैं चले जाते हैं, दस लोग जुटाते हैं चले जाते हैं। अगर ऐसे ही रहेगा ना, आने वाला दिन में समाजवादी कार्यकर्ता सभी के साथ धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे, कोई सुनवाई नहीं होता। जैसे मर्दनी गुप्ता जी बताए कि केवल पत्रकार हम लोग पिछले बार दिखाए, कोई नहीं होता है, केवल आते हैं दिखाने जाने गए। हम तो कितने बोले कि धरना प्रदर्शन भी किया जाए, कोई सुनवाई सरकार में है नहीं। तो जैसा कि हम पूछना चाहते हैं आपकी धरना देने के लिए कुछ आप जैसा कि उसके तहत होना चाहिए उसके विषय में आप बताइए। हम लोग बहुत सोचे, बहुत प्रयास किए, कई लोग बात किए, बाकी लोग बोले कि हाँ के कुछ होने वाला नहीं है। इससे जो है यहाँ के मजदूर मजदूर गरीब किसान मजदूर है, बहुत बोले कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक ठीक, चलिए ज्ञानचंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह नज़ारा, ऐसा कंडीशन क्यों है आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपके ऊपर होता तो आप कैसे आते और जाते। आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। इधर लीजिए देखो, पत्रकार साहब के दोस्त सब प्रदीप सिंह हो, ये भी बेचारे बहुत दिन गरीब किसान मजदूर के लोग, क्या नाम है, क्या नाम है? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार, समस्या क्या है? पुलिया का समस्या है। अच्छा, यहाँ से इतना दिक्कत है लेकिन कोई, इतना दिन हो गया पुलिया टूटे हुए भी न तो प्रधान का ये पता चलता है। यहाँ कोई, यहाँ से अगर कहीं बालू उठाना हो गया या गिट्टी उठाना हो गया इसमें अपना व्यवस्था लगा लेगा, लेकिन पब्लिक को पार करने में यहाँ थोड़ा सा भी एक नजर आके देख नहीं सकते हैं। जी जी। चाहे कोई भी हो प्रतिनिधि, किसी पार्टी का हो, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जी। जो भी है अपना पेट पालने खाली आते हैं यहाँ, पेट पालने के बाद चले जाते। जो रोड बना था वो रोड भी कोड़ा गया है बालू के चक्कर में। अच्छा, अच्छा। यानी कि खनन भी इस नदी में होता है? होता है। बहुत ज्यादा खनन, हाथ से भी ज्यादा। अच्छा, रोड भी कोड़ा गया, मान नगले जी का जो बना था बालू के लिए डैम हुआ, कोई सुनवाई नहीं इसका। अच्छा अच्छा, हाँ प्रदीप जी स्वयं बताएंगे, अभी हम जो गरीब किसान मजदूर सभी लोग यहाँ पे। अरे पचासों ट्रक माले ट्रैक्टर वहाँ बालू जमा किया है, यानी कि पचासों ट्रैक्टर डंपिंग किया गया है बालू बिच्छी नदी, बिच्छी नदी से। जी जी, नाम क्या है? शीतल प्रसाद। शीतल प्रसाद, इसके बारे में कुछ बताइए, जो पुलिया टूट गया है इसके बालू उठाने पर भी बोलते हैं कतरे की सरकार का संपत्ति है। अच्छा, क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं क्यों बालू उठा रहे हैं, तो बोलते हैं सरकार का संपत्ति है, तू लोग का क्या जाता है। तो उनसे आप यह नहीं पूछे कि रंगदारी दिखाओगे तो दिखा देंगे कितना रंगदारी। आपने उनसे यह नहीं पूछा कि आप परमिशन करवाए हैं? वो बोलते हैं कि परमिशन हम लोग का सब ऑलराउंडर है। अच्छा, जंगल वाले बालू नहीं रोकते हैं, जंगल में जो निकास को लकड़ी आन रहे हैं उसे पकड़ धर करते हैं, हड़काते हैं। चार साल हो गया कोई महत्व नहीं मिला इस ऐसा पत्रकार मीडिया से, सोशल मीडिया से क्या फायदा हम लोग को है? पत्रकार चार साल पाँच साल का हो, दस साल टूटे होता पुलिया, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। भाजपा अचबा दुनियादारी यहाँ कोई नहीं है। हमारे सरकार मुर्दाबाद, हमारे सरकार पिंडारी के लिए सब खत्म हो गए हैं, कोई नहीं है। नया जवान लड़का इन पत्रकार, क्या नाम है और गांव का नाम क्या है? समस्या, समस्या तो बहुत बड़ा समस्या है पुलिया का, हम लोग का पुलिया का। नदी का नाम क्या है? बिच्छी नदी। और टोला का नाम क्या है? मनरहवा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत आप लोग को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है ना? काफी दिक्कत हो रही है, ड्यूटी करने में भी दिक्कत हो रही है, मजदूर आदमी काम करने जाता है उसके लिए बहुत बड़ा समस्या है। तो आप लोग ड्यूटी से कब वापस होते हैं? ड्यूटी से 11 बजे। 11 बजे कैसे आप लोग पार होते हैं? नदी में घुस के पार होते हैं। अच्छा, नदी में घुस के। पानी कितना है? पानी तो एक कोसा है, एक कोसा से अधिक है ना। तो आप देख सकते हैं कि जैसा यह पुल बन रहा है जो कि लकड़ी और बांस बल्ली को लगा करके पार होने की, यानी आवागमन को पार होने के लिए यह बनाया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं अगर इस तरह से सरकार का अनदेखी कार्य हो रहा है, ऐसी सरकार क्यों कर रही है? अनदेखी कार्य नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा भीम से यादवा नाम है, हम ग्राम पंचायत पिंडारी गुलाबपुरा 5 वार्ड के 56 सदस्य हैं। अच्छा, यहाँ हम इस ग्राम पंचायत पिंडारी के
टोला मंदावा में इस गुप क्षेत्र के बिच्छी नदी पर जो पुल हमारे यहाँ बना था 2011-12 में, ये पुल टूट गया क्योंकि ये पुल जो है सही रूप से नहीं बना था, क्या सही रूप से निर्माण नहीं किया गया था। इसमें जो ठेकेदार थे सब चोरी कर लिए, सीमेंट सरिया सब, इसलिए पुल हमारा जो है कि वो बहुत जल्दी टूट गया है। इसलिए हमारे यहाँ पब्लिक को आने जाने में, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत से परेशानियाँ हैं, यहाँ लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो बीमार के लिए जो है कि जब कोई गाड़ी एम्बुलेंस आता है तो उन लोगों को टांग करके इस पार ला जाता है, और ऐसा कभी हो जाता है कि टांगने में कभी उन लोगों का प्राण भी छूट जाता है इस नदी के पार करने में। इसलिए हम आप पत्रकार या अधिकारियों से निवेदन करेंगे इस पुल को जल्द से जल्द बनवाएं ताकि हमारे ग्राम के क्षेत्र जनता को सुविधा हो सके, और यहाँ बहुत से जनता बहुत से परेशान हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जनसंख्या करीबन कितना होगा इस गांव में? कम से कम 10,000 जनता का आवागमन इस रोड से है। अच्छा, क्योंकि पिंडारी से मेवरपुर ये रोड डायरेक्ट मिला है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह कंडीशन है सोनभद्र न्याय पंचायत जरहा के अंतर्गत ग्राम पोस्ट पिंडारी टोला मनरहमा के अंतर्गत में आता है, और इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारे सरकार द्वारा या कोई विधायक द्वारा या सांसद द्वारा या प्रधान द्वारा इस पुलिया को जल्द से जल्द बनवाए ताकि हमारे इस क्षेत्र के या ग्राम के जनता ग्रहों को आने जाने का सुविधा बने। जी जी जी। जब तक यह पुलिया नहीं बन पाएगी तब तक यहाँ के जनता को बहुत से परेशानियाँ करना पड़ता है। यहाँ के लोग ड्यूटी जाते हैं 10 बजे रात पार, इस नदी को पार करके जाते हैं, 12 बजे रात आना जाना पड़ता है। जी। बहुत इस बच्चे इस नाले में नदी में जी जी। बहुत बच्चे बहा जाते हैं पढ़ाई लिखाई वाले। जी जी। इसलिए हम कहेंगे कि जल्द से जल्द इस पुल को बनवाने का। अच्छा, यह पुलिया कब बना था? ये पुलिया 2011-12 में का निर्माण हुआ था इसमें। अच्छा, कब टूट गया है? ये पुल टूटा है करीब 2013 में टूट गया। 2013 में। हाँ। अच्छा, मान लीजिए आप लोग ऐसे ही अपना काम चलाते हैं ना? काम चलाते हैं यहाँ के जनतागढ़ सभी लोग गांव वाले मिल के खूटा डंटा गाड़ करके। हाँ। किसी प्रकार आने जाने का सुविधा बनाते हैं हम लोग। अच्छा, आप तहसील दिवस में या जन प्रतिनिधि जो है सांसद विधायक ग्राम प्रधान, आपने एप्लीकेशन पत्र कई बार दिया है? यहाँ से हम लोग बहुत बार एप्लीकेशन भेजे, बहुत बार मीडिया पर डाले, मुख्यमंत्री को लिखे, डीएम को लिखे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। क्या समस्या है? समस्या ही बिच्छी नदी पुल का है। अच्छा, टूट गया है, आने जाने में दिक्कत होता है। 11-12 बजे शाम को हम लोग ड्यूटी से आते हैं। अच्छा, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे बच्चे पढ़ने में आते जाते होंगे, बहुत काफ़ी समस्या होती होगी है ना? हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए उन लोग को। देखिए, ज़्यादा अगर पानी रहता है तो आदमी टांग के पार करते हैं। अच्छा अच्छा। और बहुत लोग तो तैर के भी पार हो जाते हैं किसी तरीके से। और किसी किसी को जर बुखार बीमारी किसी प्रकार का होता है तो उनको चरपाई से टांग के पार किया जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसा कि छोटे छोटे बच्चे होंगे, यानी 5-7 साल यानी 10-11 साल का, जो उन लोगों को तैरने नहीं आता होगा, काफ़ी समस्या से उन लोग पार होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए इसमें कोरोना का माहौल चल रहा है तो पढ़ाई नहीं चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके पहले माने कोरोना तो आ जाए, इसके पहले जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट जाते थे स्कूल में, उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी है ना? बहुत दिक्कत होता। धन्यवाद। विकास का यह नमूना जाहिर सी बात है योगी जी और मोदी जी के लिए शर्म वाली बात होगी। उनके विकास के दावे पर यह एक बदनुमा दाग सा शामिल होगा। हरिराम चेरो जी को अगर अपनी इमेज सही करनी है तो शायद इनकी सुध लेनी पड़ेगी, वरना यह तो उनकी खबर लेंगे। को बता दें कि इसी पुल की आड़ में कई मास्टर बच्चों का जूता पहनकर दौड़ लगा रहे हैं, और वो बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं, और रजिस्टर पर उनकी हाजिरी लग रही है, और इस गरीब आदिवासी टोले के बच्चे यूं ही पढ़े जा रहे हैं डिजिटल इंडिया की राह पर ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू तैरते इस नदी में। अकी तो रामराज है ही।